हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं जो लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है इंग्लिश का। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो ये क्लास सिक्स का है, इंग्लिश का लेसन प्लान है और टॉपिक क्या है हमारा, डेजर्ट एनिमल। आपको पता है कि टॉपिक जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बता देते हैं बच्चों को, उसके बाद ही आपको टॉपिक जो है ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद जनरल एम यहाँ पर है, जो कि आपका ओवरऑल जो आप करिकुलम या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर जनरल एम में होगा। और स्पेसिफिक एम जो होता है उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट है आपका, उससे बच्चे क्या सीखेंगे वो आपको स्पेसिफिक एम में डालना होता है, ओके। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड, डैट इज़ जो भी चीज़ें आप पढ़ाई के दौरान यूज़ करेंगे अपने क्लासरूम में, डैट इज़ योर मटेरियल एड। और इसके बाद यहाँ पर है प्रीवियस नॉलेज। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है, चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपना प्रीवियस नॉलेज जो है बता सकते हैं। जैसा कि अगर हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं डेजर्ट एनिमल, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए, जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि उनको कुछ एनिमल्स के बारे में कुछ आइडियाज़ हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों को एनिमल्स के बारे में पता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स है और डोमेस्टिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो उनके बारे में बच्चे जानते हैं। क्लास सिक्स के बच्चे हैं, ये सब जाहिर सी बात है कि इतना उनको पता होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होता है और उसका जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ आर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, मतलब कि बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे, डैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर डेजर्ट एनिमल। यहाँ पर इसके बाद आता हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। जैसा कि आपको पता है, सीरियल नंबर, टॉपिक, पिपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, क्योंकि डेजर्ट एनिमल हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, डेजर्ट। क्योंकि इंग्लिश है तो आप टेक्स्ट बुक से जो भी चैप्टर है उसको बच्चे जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो है, पुपिल टीचर स्टार्टेड रीडिंग द चैप्टर, जो चैप्टर है वो जो स्टूडेंट टीचर है वो पढ़ना शुरू कर दिया है पुपिल टीचर ने, ठीक है। पढ़ने के बाद पहला पैराग्राफ जो है, पढ़ने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करना है, मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर आप मटेरियल एड में डेजर्ट के बारे में डेजर्ट का व्यू दिखा सकते हैं बच्चों को, चार्ट के थ्रू या फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। अब पुपिल टीचर ने क्या किया, पुपिल टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब पहला पैराग्राफ टीचर ने खुद पढ़ा, नेक्स्ट पैरा जो है बच्चों से कहा है कि वो पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनकी जो रीडिंग स्किल है, इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन है, वो सारा कुछ बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे ने पढ़ लिया वो पैराग्राफ, तो टीचर ने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर आप चार्ट दिखा सकते हैं कि किस तरह के एनिमल्स जो हैं डेजर्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, डैट इज़ रैटल स्नेक, ठीक है। क्योंकि आप बुक पढ़ा रहे हैं, आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपना लेसन प्लान बनाना है, तो उसके बाद आप रैटल स्नेक के बारे में अब फिर से जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बच्चे पढ़ेंगे और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ मॉन्गूज, इसके बारे में भी तीन या चार जो पैराग्राफ है वो बुक में मेंशन है और उसको बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद जो टीचर है वो उसको पूरा पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को, ताकि वो प्रॉपरली उसको समझ जाएं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, डैट इज़ कैमल्स, ठीक है। लास्ट टू पैराग्राफ जो है वो फिर से पुपिल टीचर रेड द टू लास्ट पैराग्राफ्स एंड एक्सप्लेन, उसने टीचर ने जो है दो पैराग्राफ को पढ़े और उसके बाद उसने पूरी चीज़ों को क्या किया, एक्सप्लेन किया,
ओके, यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, और इस तरह से आप जो है चार्ट बना के ले जा सकते हैं, एनिमल्स की पिक्चर लगा के, और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जो है, कुछ उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सब आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा आपका लेसन प्लान, इस तरह के मटेरियल एड अगर होंगे आपके पास तो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड क्या है कि आपने जो है चैप्टर को क्या किया है, अपने जो मदर टंग है बच्चों की, ठीक है, अगर सारे बच्चे हिंदी समझ रहे, जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो आपने चैप्टर को पढ़ तो लिया, उसके बाद आपने उनको उनके मदर टंग में समझाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि आपने पैराग्राफ को इंग्लिश में ही पढ़ा है और इंग्लिश में ही बच्चों को समझाया है, ये होती है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। लास्ट जो हमारा है, डैट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन डेजर्ट, नेम द एनिमल विच इज स्मॉल बट फाइट एंड किल अदर डेंजरस एनिमल्स, जो कि मॉन्गूज होता है, हाउ कैमल्स कीप देमसेल्फ वार्म, व्हाई डू रैटल स्नेक्स कॉल बाई दिस नेम, हाउ डज मॉन्गूज हंट, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर आ जाएगा, रिकैप क्वेश्चन में आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स ले जा सकते हैं साथ में बनाकर, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह की चीज़ें आप जो है रिकैप क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन आ जाता है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ओके, और होमवर्क देकर आपका ये यहाँ पर लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।